बच्चों नमस्कार। आज हम धातु अधातु अध्याय 11 में धातु कर्म से संबंधित विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। बच्चों धातुएं हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं यह हम सभी जानते हैं, चाहे हम औद्योगिक स्तर पर लें, चाहे हम घरेलू उपकरण ले लें, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी बहुत सारी धातुओं की और अधातुओं की नितांत आवश्यकता होती है। कि हम सामान्यतः देखें हमारे जीवन में तो घरेलू उपकरणों के रूप में तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, पारा इत्यादि जो धातुएं हैं, जस्ता, ये सब सामान्यतः उपयोग में लाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, जो विद्युत के उपकरण, सारे बर्तन बनाने में एल्युमिनियम मिश्र धातु के साथ में हम बर्तन बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के जितने भी थर्मामीटर हैं उनमें पारे का उपयोग करते हैं। तो बच्चों धातुओं का हमारे जीवन में और हमारे परिवेश में भी बहुत ही महत्व है। और इसी प्रकार से जो अधातु तत्व हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे शरीर के परिप्रेक्ष्य में लें या किसी भी जीव के जिसके अंदर की रक्त होता है, लोहा एक महत्वपूर्ण घटक है रक्त का। हीमोग्लोबिन जो लोहे तत्व है जिसके अंदर, इसी प्रकार से जो कैल्शियम धातु है वह हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। तो हमारे शरीर में भी एक प्रकार की जो धातुएं हैं उनकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर के सभी तंत्रों के संतुलन को बनाए रखने के लिए। इसी प्रकार से अधातु तत्व भी महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स इत्यादि जो पोषक तत्व हैं उनके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि अधातु तत्वों की आवश्यकता होती है और इनके द्वारा हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के कार्य करता है। बच्चों आज के इस कालखंड में हम प्रमुख रूप से धातु और क्या है धातु, धातु के का निष्कर्षण कैसे करते हैं और किन किन चरणों में हम धातु कर्म के माध्यम से धातुओं का निष्कर्षण करते हैं इसका अध्यापन करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम ये समझ लें कि आखिर धातु है क्या, या रासायनिक रूप से धातु और अन्य तत्वों में भेद क्या है। बच्चों धातु वे तत्व हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। वे तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं वे धातु तत्व होते हैं, और जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन संख्या वह उस धातु की संयोजकता कहलाती है। तो धातु तत्वों में एक विशेषता यह होती है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बनाते हैं धातु या धात्विक तत्व कहलाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी धातु का परमाणु त्यागता है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। अच्छा यहां पर हमने उदाहरण के लिए जैसे सोडियम जिसका की संकेत Na है, यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम धन आयन बनाता है, इसलिए सोडियम की संयोजकता एक है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम जो धातु है जिसका की संकेत Mg है, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दो धनावेश आयन बनाता है, तो ये दोनों जो तत्व हैं
धात्विक तत्व है, इसके अलावा भी एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, पारा है, जस्ता है, ये सभी तत्व धातु हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयन बनाते हैं। अब बच्चों धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है और धातुएं किस प्रकार से उपयोग करने योग्य हमें प्राप्त होती हैं, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। धातु कर्म में या धातु के अध्याय में एक शब्द आता है या ओर्स। बच्चों ऐसे खनिज जिनसे आसानी तथा लाभदायक तरीके से धातु निष्कर्षण किया जाता है या किया सकता है, ऐसे जो पदार्थ हैं, ऐसे जो खनिज हैं, वो अयस्क कहलाते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है कि ऐसे खनिज जिनसे आसानी तथा लाभदायक से आशय है कि जिनके अंदर अधिक मात्रा में धात्विक तत्व हो, तभी औद्योगिक स्तर पे हम उस खनिज से धातु प्राप्त कर पाएंगे। यदि धातु की मात्रा बहुत थोड़ी होगी तो उस स्थिति में धातु प्राप्त नहीं की जा सकेगी, अर्थात धातु तो मिलेगी परंतु उसकी जो लागत है धातु की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगी और वह औद्योगिक स्तर पर संतुलन नहीं बना पाएगी, अर्थात लागत अधिक होगी और उसमें वाली आय कम होगी। तो बच्चों ऐसे खनिज जिनसे हमें औद्योगिक स्तर पर आसानी से और लाभदायक तरीके से हम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, तो ऐसे खनिज हैं वो अयस्क कहलाते हैं। बच्चों अयस्क ही वह पदार्थ है जिससे हमें धातु प्राप्त होती है और अयस्क हमें पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं। आइए हम कुछ तत्वों के अयस्कों पर दृष्टि डालते हैं। जैसे लोहे तत्व जिसका कि संकेत Fe है, यहां पर हमने इसके तीन अयस्क लिखे हैं, हेमेटाइट जिसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है, इसी प्रकार से मैग्नेटाइट जिसका कि रासायनिक सूत्र Fe3O4 है, आयरन पाइराइट जिसका कि रासायनिक सूत्र Fe S2 है। ये लोहे के प्रमुख अयस्क हैं जो कि हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। एक धातु है एल्युमिनियम जिसका कि संकेत Al है और इसका सबसे प्रमुख जो अयस्क है वह है बॉक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O, अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेटेड, अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में दो जल के अणु लगे होते हैं, ये बॉक्साइड का सूत्र है। एल्युमिनियम का ही एक और जो अयस्क है वह है कोरेंडम जिसका सूत्र Al2O3 है। बॉक्साइड और कोरेंडम में केवल फर्क यह है उनमें जल के अणु नहीं होते हैं और बॉक्साइड में एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ जल के दो अणु होते हैं। तांबे के भी यहां पे हमने अयस्क लिखे हैं, तांबे का जो संकेत है Cu, अंग्रेजी में हम इसे कॉपर बोलते हैं और इसका सबसे प्रमुख अयस्क है कॉपर ग्लांस। कॉपर और सल्फर, कॉपर धात्विक तत्व और सल्फर अधात्विक तत्व, इनके संयोग से बना हुआ जो अयस्क है वह है कॉपर ग्लांस। और दूसरा जो अयस्क है वह है रूबी कॉपर। जो रूबी कॉपर है वह ऑक्साइड अयस्क है,
अर्थात कॉपर के साथ में ऑक्सीजन लगी हुई है, और जो कॉपर ग्लांस है वह सल्फाइड है जिसमें कॉपर के साथ सल्फर गंधक का एक परमाणु लगा हुआ है। तो बच्चों ये जो हमने देखे ये कुछ अयस्क हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो धातुएं हैं उनके अयस्क होते हैं, और इन्हीं अयस्कों से हमें धातु प्राप्त होती है। बच्चों अयस्क से धातु प्राप्त करने का जो प्रक्रम है वह धातु कर्म या मेटलर्जी कहलाता है। अर्थात जो अयस्क हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है, जो बिल्कुल मिट्टी के समान पत्थर के समान जिसके अंदर अशुद्धियां भी होती हैं और शुद्ध अयस्क भी होता है, उस अयस्क से हम करने का जो प्रक्रम है वह धातु कर्म कहलाता है। धातुओं को उनके अयस्कों से स्वतंत्र तथा शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। और ये जो धातु कर्म है ये कई पदों में पूर्ण होता है, केवल एक पद या एक रासायनिक क्रिया से धातु हम प्राप्त नहीं कर सकते अयस्क से। कई चरणों में जो अयस्क है उससे हम धातु प्राप्त करते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि अयस्क किस प्रकार का है और धातु की प्रकृति किस प्रकार की है। इन दोनों बातों पर यह निर्भर करता है कि किस प्रकार हम अयस्क से धातु प्राप्त करेंगे, उसको प्राप्त करने में किन किन चरणों का हम उपयोग करेंगे। अतः किसी भी धातु कर्म में अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए चार पदों में हम किसी अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं। पहला जो पद है वह है अयस्क को पीसना, दूसरा जो पद है वह है अयस्क का सांद्रण, तीसरा पद है सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करना, तथा चौथा पद है धातु का शोधन। बच्चों ये चारों पद ही महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक पद की अपनी महत्ता है। सबसे जो पहला पद है अयस्क को पीसना, अयस्क बड़े बड़े चट्टानों की तरह, ठोस पत्थरों की तरह मिट्टी के साथ में हमें प्राप्त होता है, और इसको पीसना इसलिए आवश्यक है जिससे इसके बहुत छोटे छोटे से कण हमें प्राप्त हो जाएं, और जब आगे की क्रियाओं में हम पिसे हुए अयस्क को लेकर जाएं तो क्रिया की गति तीव्र हो जाए। बच्चों अयस्क को पीसना, अयस्क को पीसने के लिए कई प्रकार की मिलें होती हैं, कई प्रकार की चक्कियां होती हैं जिसके अंदर जो अयस्क है उसको पीसा जाता है, और अयस्क को पीसकर में परिवर्तित कर लिया जाता है। बच्चों अयस्क चूर्ण में परिवर्तित करना अर्थात वो जो पत्थर के समान मिट्टी के समान पदार्थ है उसको खूब महीन बिल्कुल पाउडर के रूप में परिवर्तित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अयस्क से धातु प्राप्त करना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कई चरणों में रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, और यदि अयस्क को महीन चूर्ण के रूप में नहीं पीसेंगे तो क्रियाकारी जो क्षेत्रफल है वह कम रहेगा
और अयस्क पूरी तरह से क्रिया नहीं कर पाएगा अथवा देर लगेगी। इसलिए अयस्क को जब हम पीस लेते हैं और अयस्क पाउडर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं तो उस अयस्क की क्षेत्रफल है जो आने वाली चरणों में जो क्रिया में भाग लेगा अयस्क वह बढ़ जाता है और क्रियाएं तीव्र गति से होती हैं। इसीलिए ये नितांत आवश्यक है कि अयस्क को सबसे पहले पीस करके अयस्क के चूर्ण में परिवर्तित कर लें। तो बच्चों सबसे पहली जो स्टेप है, पृथ्वी से जो भी अयस्क निकलते हैं खदानों से उनको मिलों में पीस करके अयस्क के चूर्ण में परिवर्तित करते हैं। अयस्क चूर्ण में परिवर्तित करने के बाद जो दूसरी स्टेप है वह है अयस्क का सांद्रण। बच्चों जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है सांद्रण का आशय है मात्रा को बढ़ाना, अयस्क की मात्रा को बढ़ाना। बच्चों अयस्क के अंदर रेत, मिट्टी, पत्थर ये सारी चीजें भी होती हैं, ये सारी अशुद्धियां भी होती हैं। धातु ऑक्साइड या धातु सल्फाइड के साथ साथ रेत, पत्थर, कंकड़, मिट्टी इत्यादि अशुद्धियां भी होती हैं। और अयस्क का सांद्रण है, इस पद में प्रमुख रूप से हम इस प्रकार की जो अशुद्धियां हैं जैसे रेत, पत्थर, कंकड़, मिट्टी इनको हटा देते हैं। इनके हटने से अयस्क के सांद्रण में वृद्धि हो जाती है, अर्थात जो हमारा अयस्क पाउडर है उसके अंदर केवल अयस्क ही रह जाता है, रेत, पत्थर, कंकड़, मिट्टी ये सब अयस्क के सांद्रण के पद में हटा दिए जाते हैं। इसे हम नहीं हटाएंगे और आगे की क्रियाओं में रेत, पत्थर, कंकड़, मिट्टी भी अयस्क के साथ में चली जाएगी तो हमें जो धातु प्राप्त होगी वह शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हो पाएगी और उसके जो गुण हैं वह वास्तविक धातु के गुणों से भिन्न हो जाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अयस्क का सांद्रण करके उसके अंदर से रेत, पत्थर, कंकड़, मिट्टी इत्यादि जो चीजें हैं उन्हें हटा दें। बच्चों अयस्क को सांद्र करने की भी दो विधियां होती हैं, अर्थात एक होती है भौतिक विधियां जिन्हें हम अयस्क के भौतिक गुणों के आधार पर मिलाते हैं और एक होती हैं रासायनिक विधियां जिन्हें हम अयस्क के रासायनिक गुणों के अनुसार उपयोग में लाते हैं। बच्चों भौतिक विधियों के अंतर्गत पहली जो विधि है जो कि अपने पाठ्यक्रम में है वह है चुंबकीय पृथक्करण विधि। बच्चों जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है चुंबकीय, यहां पर हम ऐसे अयस्कों के पृथक्करण में इस विधि का उपयोग करते हैं जिनमें चुंबकीय गुण होते हैं, अर्थात वे अयस्क जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उनके सांद्रण में हम चुंबकीय विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। इसका एक सामान्य सा चित्र मैंने बनाने का प्रयास किया है। यहां पर बच्चों दो रोलर होते हैं, एक रोलर ये है जहां पर मेरी पेंसिल इंगित कर रही है, इसके अंदर लाल रंग से मैंने एक चुंबक को दिखाया है, ये एक चुंबक है और ये एक रोलर है धातु का। दूसरा एक रोलर ये है, ये सामान्य रोलर है केवल ये घूमेगा और ये एक चुंबकीय रोलर है और इन दोनों रोलर के ऊपर हमने एक बेल्ट लगा रखी है। ये जहां से ये मेरी पेंसिल मूव कर रही है ये एक बेल्ट है
बच्चों बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हमारी आटा पीसने की चक्की में बेल्ट दो पुलिस के ऊपर दो रोलर के ऊपर घूमती है, उसी प्रकार से ये हमारी बेल्ट इन दो रोलर के ऊपर घूमेगी और यहां से अयस्क के चूर्ण को हम इस बेल्ट के ऊपर गिराते हैं, अयस्क का पिसा हुआ चूर्ण गिराते हैं और ये तीर का निशान इस बेल्ट की दिशा को हमें दर्शाता है, अर्थात ये बेल्ट इस दिशा में घूमता है। जब इस दिशा में ये बेल्ट घूमता है तो अपने साथ में ये अयस्क के चूर्ण को लेकर के आता है। और बच्चों यहां पर थोड़ा सा मैंने सुधार किया है। यहां पर चुंबकीय बेल्ट ये है, ये सामान्य रोलर है और जब यहां से अयस्क चूर्ण आता है तो जैसे ही अयस्क चूर्ण इस चुंबकीय रोलर के ऊपर बेल्ट के ऊपर आता है वैसे ही चुंबकीय बल रेखाओं के प्रभाव में जो अयस्क है जो चुंबकीय गुणों से युक्त है अर्थात चुंबक की ओर आकर्षित होता है वह अयस्क इससे चिपक जाता है और जो रेत मिट्टी इत्यादि के जो कण पत्थर के कण रेत मिट्टी वो चुंबक का उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और परिणाम स्वरूप जो रेत मिट्टी इत्यादि के अचुंबकीय कण हैं वो यहां पर एकत्रित हो जाते हैं और जो चुंबकीय कण हैं वे इससे चुंबकीय बल रेखाओं के कारण इस बेल्ट से चिपके हुए आते हैं और इस दूसरे वाले जो पात्र हमने यहां पर रखा है उसमें एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहां से अयस्क चूर्ण जिसमें कि चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय अशुद्धियां भी हैं वो दोनों के दोनों इस बेल्ट के ऊपर से चलते हुए आते हैं। जो अचुंबकीय कण हैं वो इस पात्र में एकत्रित हो जाते हैं और जो चुंबकीय अयस्क है वो यहां पर एकत्रित हो जाता है। इस प्रकार से हम उस अयस्क में से रेत मिट्टी कंकड़ पत्थर इत्यादि पृथक कर लेते हैं और हमें दो चीजें प्राप्त हो जाती हैं, चुंबकीय अयस्क और अचुंबकीय कण। बच्चों इस प्रकार इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि जो अयस्क है वह चुंबकीय गुणों से युक्त होना चाहिए, अर्थात उसका ये गुण होना चाहिए कि वह चुंबक के प्रति आकर्षित हो, तब हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो विधि है वह है गुरुत्वीय विधि। बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी की तेज धार में हम धोते हैं जिससे हल्के पदार्थ रेत मिट्टी इत्यादि बहकर निकल जाते हैं और शुद्ध धातु जो अयस्क के कण हैं वे कली में ही बैठ जाते हैं। बच्चों यहां पर हम जो हमारा अयस्क है उसमें उपस्थित अशुद्धियां और अयस्क के कणों का जो घनत्व है जो उसका भार है उसका उपयोग करते हैं, अर्थात यदि उसके अंदर धूल मिट्टी के हल्के कण हैं तो वह धुल करके पानी के साथ में निकल जाएंगे के जो भारी कण हैं वे तली में बैठ जाएंगे। बच्चों इस विधि का उपयोग सामान्यतः हम लोग अपने घरों पर भी करते हैं, जैसे यदि गेहूं के अंदर बहुत अधिक मात्रा में दूसरे जो घास फूस या गठाने होती हैं तो उसे जब हम पानी में डालते हैं तो जो घास फूस के कण हैं वो सब हल्के होने के कारण पानी के ऊपर आ जाते हैं और उन्हें हम निकाल लेते हैं और हमारा जो गेहूं है हमारा जो अनाज है वह भारी होता है, वह तली में बैठ जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अयस्क के अंदर उपस्थित हल्की अशुद्धियां
हम पानी की तेज धार में जब धोते हैं तो वे अशुद्धियां पानी की तेज धार के साथ में बह करके निकल जाती हैं। शुद्ध धातु अयस्क के जो भारी कण हैं वो तली में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से गुरुत्वीय पृथक्करण के द्वारा हम अयस्क को सांद्रित करते हैं। बच्चों एक पूर्ण विधि है, काम है फैन उत्प्लावन विधि। बच्चों फैन अर्थात झाग, इस विधि में हम मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं और इसकी प्रक्रिया को समझ लें। इसमें एक पात्र, इसमें हमने एक पात्र लिया है ये, और इस पात्र के अंदर तेल प्लस पानी प्लस अयस्क चूर्ण, अयस्क का पाउडर लेते हैं, तेल लेते हैं जो खराब किस्म के जो तेल हैं, जो बहुत सस्ते तेल हैं, और पानी लेते हैं और यहां से तेज गति से हम वायु प्रवाहित करते हैं। ये नली है, इसके माध्यम से जो वायु है ये वायु द्वार है और इसके अंदर हमने इस पात्र में तेल पानी अयस्क का चूर्ण लिया है। वायु इन द्वारों में से निकलती है तो ये जो मिश्रण है ये मथ जाता है, मथानी की तरह ये मथ जाता है और जो अयस्क के कण हैं वे तेल के साथ और पानी के साथ मिलकर के झाग बना लेते हैं और सल्फाइड अयस्क के कण झाग के साथ में यहाँ ऊपर आ जाते हैं और जो अशुद्धियां हैं वो भारी अशुद्धियां हैं वो सब पर नीचे हैं। इस तरीके से हम फैन उत्प्लावन विधि के द्वारा अयस्क का सांद्रण करते हैं। बच्चों प्रमुख रूप से इस विधि के द्वारा हम सल्फाइड अयस्क का सांद्रण करते हैं, जैसे लेड सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, जितने भी सल्फाइड अयस्क हैं उनका सांद्रण हम इसी विधि के द्वारा करते हैं। ये गुरुत्वीय विधि, चुंबकीय विधि और फैन उत्प्लावन विधि, जिसमें हम भौतिक गुणों के आधार पर अयस्क का सांद्रण करते हैं। एक रासायनिक विधि भी अपने पाठ्यक्रम में है जिसे अपन निछालन या प्रछालन या लीचिंग भी बोलते हैं। इसका जो सांद्रण अपने पाठ्यक्रम में एल्युमिनियम का सांद्रण इसी विधि से करते हैं। इस विधि में जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है रासायनिक विधि, अर्थात यहां पर सांद्रण के दौरान कुछ रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। बच्चों इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को ऐसे बिलियन में घोलते हैं जो अयस्क को घोल लेता है तथा अशुद्धियां अघुलनशील रह जाती हैं और हट जाती हैं। अर्थात प्रकार का विलायक लेना होता है जिसमें जो हमारा अयस्क है वह घुल जाए, रासायनिक क्रिया कर ले और घुल जाए, और जो अशुद्धियां हैं वे कोई भी क्रिया ना करें, ठोस रूप में ही रहें, जिससे हम फिर छान करके जो हमारा अयस्क है तो पुनः प्राप्त कर लें और अशुद्धियां वहीं पर शेष रह जाएं। तो बच्चों इस विधि में हम जो अयस्क है उसका ऐसे विलायक के साथ में विलयन बनाते हैं जिसमें वह घुल जाए। यहां पर अपने पाठ्यक्रम की दृष्टि से हम देखें तो जो बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण जो कि एल्युमिनियम अयस्क है उसका सांद्रण हम रासायनिक विधि के द्वारा ही करते हैं। आइए देखते हैं कैसे एल्युमिनियम अयस्क का सांद्रण किया जाता है। बच्चों बॉक्साइड एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है और बॉक्साइड के द्वारा ही एल्युमिनियम हमें प्राप्त होती है, जिसका कि रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O है, अर्थात एल्युमिनियम ऑक्साइड के
के साथ में जल के दो अणु लगे होते हैं, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 तथा सिलिका अर्थात रेत। हमारे चारों तरफ जो भी हमें रेत दिखाई देती है वह रासायनिक रूप से सिलिका, जिसका कि रासायनिक सूत्र SiO2 है की अशुद्धियां होती हैं। हमको चाहिए केवल एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और उस के साथ में रेत है अर्थात SiO2 और फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अब यहाँ पे हमें जब इसका सांद्रण करना है तो हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में इसको घोलते हैं। बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में जब हम इसे घोलते हैं तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वह इसमें घुल जाती है और जो फेरिक ऑक्साइड है, जो रेत है, वह अघुलनशील रह जाती है। इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घुलने से जो एल्युमिनियम है वह घुल करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है NaAlO2, और जो अशुद्धियां हैं वे अघुलनशील ही रह जाती हैं अर्थात रेत और सिलिका ठोस अवस्था में ही रह जाते हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड घुल जाती है। हम इनके रासायनिक समीकरणों पर भी दृष्टि डालते हैं। ये Al2O3 2H2O बॉक्साइड का सूत्र है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ में 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसकी रासायनिक क्रिया कराते हैं तो NaAl2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और तीन पानी के अणु बन जाते हैं। बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड बॉक्साइड से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के रूप में परिवर्तित हो गया, यह घुलनशील है, और सिलिका अर्थात रेत और फेरिक थी वो ठोस रूप में ही रह जाती हैं और इसे हम फिर छान करके पृथक कर लेते हैं। छना हुआ जो द्रव प्राप्त होता है उसका जल के साथ में जब जल अपघटन करते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और पानी के साथ में जब हम जल अपघटन करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइज का अवक्षेप हमें प्राप्त होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार ऑक्साइड से एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में बदल गया और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के जल अपघटन से हमें अवक्षेप के रूप में ठोस रूप में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया और इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को, अवक्षेप का आशा है ठोस, अर्ध ठोस, जब हम एल्युमिनियम गर्म करते हैं तो हमें एल्युमिना Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है और पानी बन जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हमने बॉक्साइड में से एल्युमिनियम ऑक्साइड को प्राप्त कर लिया और अशुद्धि के रूप में फेरिक ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हमने पृथक कर लिया। यहां पर हमने इस रासायनिक गुण का उपयोग किया कि एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर लेता है जबकि फेरिक ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड इससे क्रिया नहीं करती है। तो ये बच्चों रासायनिक विधि थी सांद्रण की। सांद्रित अयस्क से हमें धातु प्राप्त करनी होती है। 5 मिनट। सांद्रित अयस्क से हमें धातु प्राप्त करनी होती है और इसके लिए धातु अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। बच्चों, किसी भी धातु को हमें प्राप्त करना है तो उसके अयस्क से हम धातु ऑक्साइड के रूप में उसको परिवर्तित करते हैं क्योंकि धातु ऑक्साइड
आसानी से धातु में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क की अपेक्षा धातु के ऑक्साइड का अपचयन अर्थात उसके अंदर से अधात्विक तत्व को बाहर निकालकर केवल शुद्ध धातु प्राप्त करना वह आसान होता है, और इसीलिए हम अपचयन के पहले अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलते हैं, और धातु ऑक्साइड में बदलने के उपरांत हम उसका अपचयन धातु में कर लेते हैं। बच्चों, धातु ऑक्साइड में परिवर्तन की दो विधियां हैं, एक कहलाती है निस्तापन या कैल्सिनेशन, और दूसरी जो प्रक्रिया है वह कहलाती है भर्जन या रोएस्टिंग। बच्चों, निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे नमी तथा वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, और जो कार्बोनेट अयस्क है वह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है। निस्तापन और भर्जन में प्रमुख रूप से अंतर यही है कि निस्तापन में हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं अयस्क को, जबकि भर्जन में हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अगर हम देखें तो जैसे जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक का अयस्क है, इसका हमने निस्तापन किया तो जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। हमारा उद्देश्य था कि कोई भी अयस्क है उसे हम ऑक्साइड में परिवर्तित कर लें। यहाँ पर हमने इसको गर्म किया वायु की अनुपस्थिति में, और जिससे जिंक ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। बच्चों, आज हमने धातु कर्म के अंतर्गत अयस्क क्या है, अयस्क क्या होते हैं, अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, और सांद्रित अयस्क से फिर धातु प्राप्त करने के लिए हम प्रकार से उसे ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित करते हैं, इन विषयों के ऊपर आज हमने समझा। 13 तारीख के कालखंड में हम इसके अगले हिस्से को निरंतर जारी रखेंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो बच्चों तो आप पूछें। ठीक है बच्चों, अगले 13 तारीख के कालखंड में हम इसको निरंतर रखेंगे। आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो अगले कालखंड में भी लेके आइएगा, हम मिलकर उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।